तीन भैया के साथ नौ देवी दर्शन करने जा रहे हैं गाड़ी में भैया के साथ, और यहाँ से 10-15 किलोमीटर भैया 10-15 किलोमीटर का सफर है भाई, गाड़ी से जा रहे हैं, फुल में जा रहे हैं भाई। आपको पूरे रास्ते का टूर दिखाएंगे, पूर्व में मतलब जो भी कुछ आएगा दिखाने लायक। और इस टाइम अभी कटरा से निकले हैं भाई, टाइम कुछ 3:15 हो रखे हैं, अभी निकले हैं भाई यहाँ से। और ये अभी ये क्या नाम है कटरा का जो मेन चौक है यहाँ पे पहुँचे हैं भाई, पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, अब निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। आपको नौ देवी दर्शन करवाते हैं भाई, आज शिवखोड़ी नहीं जा पाए कुछ यार, तबीयत का इशू चल रहा है यार, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रह रही, तो भाई जब तबीयत ठीक होगी देखते फिर गेड़ा लगाएंगे एक बार। और एक बार आज तो फिर फ्री थे भैया, बोले चलो मैं घुमा के लेके आता हूँ, भैया के साथ जा रहे हैं, ठीक है आपको भैया। गाइस ये देख लो भाई, कटरा मार्केट से निकल रहे हैं, और ये देख लो भाई कटरा की पहाड़ियाँ श्री माता वैष्णो देवी की, देख लो भाई दिख रही है क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, होगी जन्नत, जन्नत में ले आया तुम्हें भाई। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगर तुम यहाँ पे खुद आओगे ना भाई, यहाँ पे मतलब आके रहोगे दर्शनों के लिए आओगे, मतलब ना मजा आ जाएगा तुम्हें, क्यों भैया बताओ। ये भाई अपने नितिन भैया, मौसम देखो भाई, मतलब ना जन्नत जैसी जगह है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, हवा एक नंबर चल रही है, बताओ भी नितिन भैया यहाँ की खासियत बताओ कुछ। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया, कटरा का जम्मू से भी बढ़िया मौसम है यहाँ पे जी, कम से कम 6-7 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क होता है। जम्मू में जैसे 30 चलता है तो यहाँ पे 25-24 इतना रहता है। देख लो भाई ये देखो, ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही यहाँ पे बारिश होती है। देखो भाई ये हमारा रेलवे का फर्स्ट रेलवे ब्रिज, ये कटरा से कश्मीर ट्रेन जा रही है उसका ब्रिज है, देख लो भाई फर्स्ट ब्रिज है जो कटरा के बस स्टैंड के नीचे से आ रहा है। और ये एक और दिखाऊं चीज नीचे, ये देखो भाई पूरी खाई है पूरी, मतलब ये ब्रिज जो बना रखे ना, मतलब यार अंत कहाँ है, सीधा वैष्णो देवी के पहाड़ के अंदर से, ये देख लो भाई यहाँ से ट्रेन जाएगी। अच्छा ये त्रिकुट पर के अंदर से निकाल रखी है, वाह यार मजा, देखो भाइयों है ना एक तरफा नजारा। भाइयों मैं तो एक बात जानता हूँ, पहाड़ों में आके ना मन लग जाता है भाई मेरा तो, क्यों भैया है ना मजेदार एकदम, देखो ग्रीनरी है बिल्कुल, मतलब बरसात का मौसम आ रहा है भाई, फुल मजा आ रहा है, देख लो यहाँ से एक तरफा मजा यार, ये देखो। ठीक है भाइयों आगे मिलते हैं आपसे, आगे कुछ जानकारी वाली बात होगी आगे बताएंगे आपको। ओके दोस्तों ये देखो यार बीच साइड क्या बढ़िया लग रही है, और ये देखो दोस्तों यार यहाँ के गाइस अपने गाड़ी हो गए डीजल फुल, ये देख लो भाई थोड़ी सी खाली थी अब हो गया फुल, अब चलते हैं आपको चिनाव ब्रिज भी दिखाएंगे, अब निकल पड़े भाई। ये देख लो ये कटरा के अंदर डीजल का रेट है 87 रुपये भाई, 83 रुपये लीटर भाई डीजल, और पेट्रोल है 97 रुपये कुछ पैसे, देख लो बढ़िया मजा आ रहा है भाई नितिन भैया के साथ, फुल मौज हो रही है। मौसम देखो यार, अब ये मौसम देखो भाई, जिस चीज़ के लिए लोग आते हैं ना वो देखो, मतलब हमेशा अलग अलग दिखता रहे वैसे उस चीज़ के लिए आते हैं लोग, और ये यहाँ पे आके मिलेगा आपको। भारत पेट्रोलियम सेल क्या, ये देखो भाई ये अपनी स्लिप है, ठीक है
ये देखो ये है सुला नदी, इसमें पानी नहीं है फिलहाल, मतलब बहुत कम है, ना के बराबर। और वो आगे देखो, आगे दिख रही है आपको वो उधर, वो है चिनाब रिवर, मतलब ये इन दोनों का संगम होता है इधर आगे जाके। आपको दिखाते हैं अब चिनाब ब्रिज दिखाएंगे आपको, यार आज तो मजा आने वाला है आप लोगों को भी। ये देखो भाई साहब, बहुत कम है, बाकी बहुत तेज धारा होती है भाई इधर। और भाई जगह जगह रोडों पे काम चल रहा है, बारिश के कारण रोड टूट रखे हैं जगह जगह, मतलब बहुत तगड़ा काम हो रहा है। देखो भाई अभी दिखाते हैं आपको आगे आएगा, और ये पहाड़ देख लो रिवर पहुंच गए भाई, भैया के साथ पर्सनल गाड़ी में आए हैं। मैंने कहा था ना आपको, अगर आप आओगे तो आपके साथ परिवार जैसा व्यवहार होगा भाई। हमारा रिलेशन ऐसा बन चुका है, मतलब बड़े भाई छोटे भाई जैसा। मेरा ना मतलब यहाँ पे आने के बाद ना, मतलब एक एक चीज़ का ध्यान रखा है भैया ने, मतलब खाने पीने रहने सब कुछ, ए से लेके जेड तक का सब चीज़ों का ध्यान रखा है। और आज हमें पर्सनल गाड़ी में यहाँ चिनाब रिवर लेके आए भैया। चिनाब रिवर के बारे में भैया से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, बताओ भैया थोड़ी इसके बारे में जानकारी। ये यहाँ का ये चिनाब रिवर जो है, ये यहाँ हमारे J&K का सबसे बड़ा दरिया है ये, और ये यहाँ से पाकिस्तान को जा रहा है, नीचे की तरफ जो जा रहा है ये पाकिस्तान को जा रहा है। और ये आ कहाँ से रहा अभी तक पूरा पता नहीं चला, चाइना के भी पीछे से आ रहा है ये, वहाँ से डोडा किश्तवाड़ होता हुआ पीछे आगे चाइना का बॉर्डर लग जाता है, चाइना के पीछे से आता है ये, बहुत बड़ा दरिया है ये। और इसकी जो गहराई है आज तक पता ही नहीं चल सकी गहराई कितनी है इसकी, गहराई का तो भाई पता ही नहीं है। जो चीज़ इसमें गिरती है वो वापस नहीं आती है, बड़े से बड़े ट्रक बस या इसमें गिरते हैं लेकिन वापस नहीं आते भाई। बहुत यहाँ का पानी का प्रेशर देखो कितना तेज है यहाँ, एक बार पानी का प्रेशर दिखा दे भाई, देख दिखाइयो। यहाँ पे राफ्टिंग होती है, आज राफ्टिंग बंद है, पानी का प्रेशर ज़्यादा है, पानी का बहाव बहुत तेज है, और यहाँ पे आज राफ्टिंग बंद है। यहाँ पे भाई सीजन में मतलब अगर जब पानी थोड़ा लेवल कम होता है तब यहाँ पे राफ्टिंग होती है, जैसे आपको ऋषिकेश में देखने को मिलती है राफ्टिंग होती है भाई। और इस जो इस दरिया ये जो पुल बना हुआ है भाई, और ये जो है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियासी का ये पुल है, और इसी पे इसी दरिया पे यहाँ से 60 किलोमीटर आगे जाके कोड़ी बक्कल ब्रिज बन रहा है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो पुल है, वो ट्रेन के लिए बन रहा है, जो कटरा से कश्मीर ट्रेन जाएगी उसको वो पुल जोड़ेगा जोड़ रहा है। देख लो भाई इस पानी का बहाव देख लो, अगर इसमें कोई गिरा तो कुछ नहीं बचेगा भाई, मतलब बहुत तेज इसका ना अभी मतलब मानसून के सीज़न में इसका थोड़ा बहाव बढ़ गया है, वरना ये थोड़ा सही रहता है, समतल ही रहता है ज़्यादा मतलब। और अब इस टाइम में अगर आप इसके अंदर देखो एक बार दिखाइयो, मतलब बहुत तेज है भाई, जिसको तैरना भी आता है ना वो भी डूब सकता है इसमें, इतना तेज है ना। देख लो भाई और एक ऊपर का नज़ारा दिखा दे, तो दोस्तों एक बात हमारी रह गई थी वो भैया एक और बता रहे हैं, बताओ। दरिया की जो गहराई है बहुत ज़्यादा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी गहराई है, कितनी गहराई है। एक बार वो सर्वे करने वाली टीम आई थी यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके, हेलीकॉप्टर उसके अंदर गिर गया था लेकिन वो मिला नहीं, हेलीकॉप्टर गिर गया था भाई, हेलीकॉप्टर ही नहीं मिला, मतलब एक सर्वे करने आए थे, इसकी गहराई नापने आए थे कि इसकी कितनी गहराई है। ये भाई अंदर से ना पहाड़ों को खोखला कर रखा है इसने, मतलब ना समुंदर की तरह ये अंदर, मतलब यूँ है कि जितना आप अंदर जाओगे जाते ही जाओगे आपको किनारा ही नहीं मिलेगा, इतना है मतलब आप इसकी गहराई नहीं नाप सकते। इसके अंदर जो भी इसके अंदर चीज़ डूबी है वो आज तक नहीं मिली भाई। तो भाई सभी से यही प्रार्थना है थोड़ी सी आओ यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी सेफ्टी के साथ आना भाई, और अपने रिस्क आना, ठीक है। जय माता दी।
सो गाइस फील द साउंड, इस पानी की आवाज सुनो आप। गाइस भाई आपने चिनावरी वर देख लिया है, हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से, नौ देवियों के दर्शन करवाएंगे और फिर वापस कटरा पहुँचते हैं भैया के पास। ठीक है यहाँ से चलते हैं भाई, अब टाइम कुछ हो चुका होगा, 4:30-5 बज चुके होंगे यार, अच्छे से देखा भी नहीं है मैंने। बाकी मज़ा बहुत आया यार, अल्टीमेट मज़ा यार इस जगह का, मतलब और जो ये पानी चल रहा है ना भाई, मज़ा एक तरफा मज़ा आ गया भाई। आपको दिखाते हैं आगे के, ठीक है आगे के और व्यूज दिखाता हूँ आपको। गाइस दैट्स द ब्यूटी, चेक इट आउट, है ना मजा भाइयों, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा बस इस जगह को, इस मौसम को, एक तरफा यार, है ना मस्त। देखना यार कैसे कैसे निकल निकल के आ रहा है पानी यार, देखना एक तरफा मजा यार इधर का। और पहाड़ देखो भाई, मतलब जन्नत है यार ये जन्नत, मेरे को तो ऐसी जगह पसंद है यार ज़्यादातर। देखो सो गाइस ये रे नितिन भैया और ये रिवर, ये हमारी कार है, ये मैं हूँ, ये नितिन भैया और ये हम यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, फुल मज़े आ रहे भाई, फुल मज़े। मतलब ये जो गए ना, मतलब बोल के नहीं बताई जा सकती भाई, यहाँ पे आप आओगे ना साल के 365 दिन में 365 दिन रंग बदलते हैं ये जगह, मतलब यूँ लगा लो दिन में कुछ और शाम को कुछ और, मतलब अलग अलग मज़ा यार इस जगह का। देखो यार मतलब अलग एक तरफा मज़ा आ रहा है भाई, पूरा मज़ा आ गया भाई पूरा फुल। ऐसे ही दिल से सपोर्ट करते रहो भाई, ऐसे ऐसे और मज़े आएंगे भाई। ठीक है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और भाई दिल से सपोर्ट कर दो यार, मज़ा आ जाएगा बस और क्या ही चाहिए। ठीक है भाई आपने यहाँ के सिनेमैटिक तो देख ही लिए होंगे, बाकी मज़ा आ रहा है यार एक तरफा, मौसम ने बहुत साथ दिया अपना बाद में भी। ठीक है भाई जय गाइस, ये है नौ देवी मंदिर। ये देखो जी सो एक पैड़ी है अभी भाई, 100 पैड़ी उतर के नीचे जाना है और फिर दर्शन होंगे आपको नौ देवियों के, एक साथ दिखाते हैं आपको अच्छे से। यहाँ की मार्केट है भाई देख लो, बहुत सुंदर बना रखा है भाई, ये देखो जी है ना मजा। अभी तो और चलना देख लो भाई, ये देखो भाई नीचे अच्छे से दिखाता हूँ भाई, ओ मतलब मज़ेदार जगह यार ये, आप कटरा हो तो यहाँ पे ज़रूर आना भाई, माता ने मतलब माता के 9 रूप हैं, आपको 9 रूपों का यहाँ पे पिंडी रूप में दर्शन हो गया आपको।
नदी। ठीक है भाई, आगे मिलते हैं आपसे एक बार। ये जी शेषनाग, शिवलिंग, बढ़िया मंदिर बना हुआ भाइयों, यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। ये देखो, ये नौ देवियों के लिए जाने के लिए गुफा है, यहाँ से जाते हैं। चलो भाई, आप अपना भी नंबर आने वाला, आप चाहते हैं हम बोलो। ऐसे नीचे लेट के निकलना पड़ेगा इधर। जय माता दी। देखो भाई, बैठ के जाना पड़ेगा यहाँ पर। लाइट है चालू? हाँ। देखो भाई, जी अंदर जाना होता है को, बैठ बैठ के, बाकी समस्या नीचे लेट करके जाना भाई। मतलब लेट लेट के जाना पड़ता है भाई। देखिए जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ से हम दर्शन करके आ चुके हैं और अब ऊपर की तरफ जाना है भाई। ऊपर जा रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं भाई इधर। ये देखो, नहाने के लिए बढ़िया व्यवस्था है भाई इधर। देखो भाई, पूल बना है नहाने के लिए, बढ़िया सुंदर नज़ारा है। बच्चों के लिए स्नान घर, बढ़िया। और ये अभी भाई अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है इधर का, मतलब अच्छा ही बनाएंगे इसको भी, मतलब लग रहा है मेरे को, काम चल रहा है। देख लो भाई, बढ़िया एक तरफा नज़ारा है। आपको ऊपर से और दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो भाई, ये देखो, बढ़िया बना रखा भाई साहब, केवल स्त्रियों के लिए। अभी यहाँ पे मतलब बहुत ना के बराबर ही हैं लोग नहाने वाले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बन रहा भाई। ये देखो भाई, है ना जन्नत, बढ़िया बना हुआ भाई। यहाँ की मार्केट है भाई, यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा है, सुंदर। और ये यज्ञ स्थान, यहाँ पे नवरात्रों में यज्ञ होता है भाई। ठीक बच्चों, सुंदर यार, वहाँ पे वो पंडित जी ने मना कर दिया था वीडियो बनाने से, इसलिए नहीं बनाई। अच्छा लगता है ऐसे, एक बार कोई बना कर दे फिर अपना वो काम करे, फिर इसलिए मैंने नहीं बनाई भाई अंदर की वीडियो। बाकी बढ़िया बना हुआ यार, बहुत बढ़िया दर्शन हुए माता जी के, बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया भाई, अब बहुत सुंदर बना हुआ है। बंदर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। दिलचस्प नज़ारा, देखो भाई जगह जगह बैठने के लिए आपको ऐसे शेड मिलेंगी, नीचे भी बना रखे भाई। अच्छा बहुत सुंदर है भाई, देखो मस्त मज़ा आ जाएगा आपको भी। और बंदरों से सावधान, बंदरों से सावधान रहे। जय माता दी। हे गाइस, जय माता दी भाई सभी भाइयों को। और भाई हम यहाँ पे नौ देवी के दर्शन करने ऐसे, जैसा कि आपने देख लिया हमारे वीडियो में भाई, बहुत अद्भुत नज़ारा है भाई इधर। मतलब यहाँ से बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है भाई पहाड़ों में और सब, मतलब बहुत अच्छा है यार। यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करना, ये जगह ऐसी जगह है जो भाई दब के रह गई है। मतलब लोग आते हैं वैष्णो देवी में कटरा के मार्केट देखते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं, चले जाते हैं दर्शन करके। यहाँ पे आओ भाई, ये नौ देवी मंदिर है, यहाँ पे भी विज़िट करो। और एक बाबा धनसर नाम से भी एक जगह है, वहाँ पे भी ज़रूर आओ। और इससे थोड़ी सी आगे, मतलब 20-25 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको चिनाब नदी मिलेगी, वो भी आपने देख ही ली। आगे जाओगे आप, उससे भी आगे जाओगे तो शिवखोड़ी, वो भी भाई अद्भुत नज़ारा है भाई। वहाँ पे नहीं जा पाए हम इस बार क्योंकि थोड़ा भाई तबीयत का इशू चल रहा है और कुछ यार बारिश ने थोड़ा सा काम खराब कर रखा है हमारा। बाकी अगली बार जब हमारी ट्रिप लगेगी भाई पक्का आएंगे यहाँ पे, मतलब 100% जाएंगे भाई। इस बार बाबा का हुक्म नहीं हुआ वरना जाते भाई भोले बाबा के वहाँ पे भी। और भाई रियासी गाँव आता है एक, वो भी मतलब सुंदर गाँव है, अच्छा बढ़िया शहर है, मतलब देखने लायक बढ़िया जगह है भाई। यहाँ पे ज़रूर आओ, ज़रूर विज़िट करो। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है भाई यहाँ पे भी ज़रूर आओ, यहाँ के भी लोगों को थोड़ा रोज़गार मिलेगा। मतलब जो भी यहाँ पे स्टॉल लगाए बैठे हैं उनको भी थोड़ा सा मदद हो जाएगी। और आया करो भाई यहाँ पे भी दर्शनों के लिए, माता के लिए। और सभी को भाई मेरी तरफ से जय माता दी, यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करना। पूरा देखा था आपने।